they were mentioning so you know introductory econometrics iski basic cheese and there they said that you know the units and everything is exactly what they have mentioned but your reference books they wrote, they were, Woolridge. and then there's a new there was a new book uh, james et stock and watson introduction to econometrics and that is precisely why we were all thinking that this is basically an entirely new course uh, because different reference books are being used, so sorry different okay, but uh, as it looks like that was not the case. So what actually happened is, is basically the same course which seniors used to have in the previous uh, times is exactly being repeated with a slight addition of the practical component okay so let me just bring out the main points of whatever happened in this meeting so this was conducted on 25th of january a lot of teachers attended uh, there's one error here maybe 22 23 i don't know why they've done that

एंड दैट विल बी योर कोर टेक्स्ट बुक सो यही टेक्स्ट बुक काफ़ी टाइम से यूज होती हुई आ रही है आपके सीनियर्स भी यही यूज करते थे जो पुराने सी बी सी एस वाला सिलेबस होता था वो वो लोग भी यही यूज करते थे तो आपके लिए भी सेम बुक ही रेफर होने वाली है ठीक है यूनिट वाइज मैपिंग फ्रॉम दिस बुक इज़ प्रोवाइडेड विच विल कल दियरी एज वेल एज एग्जाम्पल्स ठीक है

इंट्रोडक्शन टू इकोनोमीट्रिक्स बाइ वुल ये बुक पॉपुलरली ये वाली जो बुक है ये पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं गुजराती बुक, और ये जो बुक है जो दूसरी वाली बुक है उसको हम लोग वुलरिज के नाम से काफी पॉपुलरली जानते हैं तो इसके कुछ स्पेसिफिक इन्होंने एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं जिसको आप अपने थियोरी के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो और प्रैक्टिकल में जो भी हम काम करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स में उसके लिए भी यूज किया जा सकता है

मार्क्स uh, के सारे क्वेश्चंस आपके एटीन मार्क्स के होंगे पेपर इज गोइंग टू लुक लाइक फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी एंड रेस्ट जो चार क्वेश्चन है uh, वो आपको आउट ऑफ छ जो क्वेश्चन है उसमें से कोई भी चार करने हैं ठीक है दैट इज द अदर थिंग रिगार्डिंग योर एग्जाम अब इन्होंने वेटेज उस हिसाब से यूनिट वाइज कोई वेटेज मैंशन नहीं करी है ठीक है तो ये दूसरी चीज है तीसरी चीज अब ये ये जो चीज है दिस इज बेसिकली बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज दैट इज वेयर ऑल द कंफ्यूजन इज लाइंग देखो योर कॉन्टिन्यूस असेसमेंट तो अब आपका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट भी होगा और आपका प्रैक्टिकल भी है ठीक है सो देर आर टू सेपरेट थिंग्स कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट में वो क्या करेंगे अब उन्होंने बोला है इट विल कंसिस्ट अ टेन मार्क्स ग्रुप प्रोजेक्ट कोई आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट होगा विच वुड इनवॉल्व एप्लीकेशन ऑफ इकोनोमीट्रिक कॉन्सेप्ट मतलब होता है डेटा सेट ठीक है जैसे मान लो कोई भी एक डेटा सेट हो गया बहुत सारे लोगों का अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डेटा उसको एक डेटा बेस बोलते हैं ठीक है डेटा बेस इज बेस प्लेस वेयर ऑल योर डेटा इज स्टोर ठीक है तो आपको एक डेटा दे दिया जाएगा उस डेटा का यूज करके उस पे इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर यूज करके कुछ चीजें होंगी जिसके बारे में वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको जवाब देने होंगे उस चीज के तो अब इन्होंने जो जो यू नो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज विच वुड इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमेट्रिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग डेटा बेस यूजिंग एन इकोनॉमेट्रिक सॉफ्टवेयर विच कुड बी चॉइस

इसके हिसाब से तो टीचर शुड आइडियली गिव यू यू गाइज अ चॉइस कि आइडियली होता है कि ठीक है टीचर कुछ एक चीज पढ़ा रहा है बट दे शुड गिव यू अ चॉइस ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर यू वॉन्ट टू यूज बट वॉट अल्टीमेटली हैपनिंग इज अब इमेजिन करो आप एक कॉलेज में हो आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है तो आपके आपके ही कॉलेज के बच्चे होंगे तो सब सेम ही सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो मैम या सर यूज करेंगे

तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इट्स अ चॉइस सो बेसिकली इट शुड नॉट मैटर कि इवन इफ यू यूज आर और यू यूज डेटा और यू यूज एनी थिंग ठीक है बट ओके आई जस्ट वॉन्टेड इम्फोसाइज दिस पॉइंट सो हो सकता है कि आपके कुछ कॉलेजेस में कोई एक सॉफ्टवेयर यूज हो रहा हो कुछ कॉलेजेस uh, में दूसरा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा हो ठीक है सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मैं दिस इज प्रिसाइसली वट वी आर ऑल्सो गेटिंग टू नो फ्रॉम स्टूडेंट कि कुछ जगह को, कोई uh, टीचर कोई एक सॉफ्टवेयर को प्रेफर कर रहा है दूसरा टीचर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को प्रेफर कर रहा है ठीक है अभी लेकिन ज्यादा सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू हुआ नहीं है बस बातें हो रही हैं अब एक्चुअली में क्या होने लगेगा दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट ओके एंड इट वुड ऑल्सो इन्वॉल्व सो ये जो आपका कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है उसी के अंदर एक ट्वेंटी मार्क्स का एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा तो आपका प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो ट्वेंटी मार्क्स होने वाला है एंड मार्क्स वाइवा मीनिंग यू अंडरस्टैंड मतलब आपसे कुछ पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटी कोर इकोनॉमिक्स के कोर्सेस यू माइट हैम जी ई कोर्सेज और सम अदर कोर्सेज पे आपने प्रैक्टिकल फेस किया हो तो शायद थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का ठीक है

so our professor has already taken one class for r and they've told us how to like import data and he gave us some packages to install and how to like he also gave us some data sets too. like we'll be working on them the next time but basic setup kara diyan. okay so basically r pe start ho okay anybody else what is happening in your colleges or maybe even if classes has not started have they decided which software are they going to fix it on

yes ma'am okay that seems a little uh, uh too much but let's see okay so she uh, she or he said that you'll use all three and they'll tell you how to do in in all three yes ma'am okay okay all right uh guys anybody else you might have heard something R has been finalized. Okay. Pranav is saying R has been finalized. And Anya is saying uh, like three softwares are being talked about. Okay. In the other case, also R is finalized. Okay. And like we we also posted that poll in the class group, and most people actually, uh, you know, kind of voted for R. So that kind of gives us a sense that R. में ही मेजरली काम होने वाला है एंड ओके शॉर्टेक सो बेसिकली गाइज जो हमारा बेसिक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है ना उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि आर इज समिंग विच इज बींग नॉर्मली यू नो प्रेफर्ड

कॉमनली uh, uh, हमने ज्यादा देखने को किसी से सुना नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है थोड़ी सी टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी बट मोस्टली जो है हमें देखने को मिल रहा है वो आर है तो एक चीज तो डिसाइडेड है कि हम लोग भी अपना काम जो है आर में स्टार्ट कर देंगे आर तो डेफिनेटली वी आर गो इन ट्रोड्यू इफ वी फील या इफ विद द रिस्पॉन्स डेट वी गेट इज दैट मैनी पीपल आर यूजिंग स्टेटा सी अगर एक बहुत एक दो एक दो अगर ऐसा रिस्पॉन्स आएगा तो हम हमारे को भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली हर एक सॉफ्टवेयर में सेम चीज रिपीट करनाबल वी कैन स्टार्ट विद द अदर सॉफ्टवेयर इज वेल विच एवर इज द मोस्ट कॉमनली बींग डन ठीक है ये अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी अः प्रैक्टिकल्स को लेके और प्रैक्टिकल्स के लिए जो है वो प्रैक्टिकल्स वाला जो कंपोनेंट है वो चैप्टर नंबर टू के बाद से जैसे काम करना शुरू कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल uh, के लिए एक सेपरेट क्लास हम लोग रखेंगे ठीक है अपार्ट फ्रॉम योर कॉन्टे रेग्युलर टू क्लासेज टू में जो क्लास होगी अब उसमें ऑब्वियसली वीड कव चैप्टर टू येट बट वो सॉफ्टवेयर सेटअप कैसे करना है बेसिक बेसिक सॉफ्टवेयर है क्या उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कैसे होगी उस उसपे हम लोग बात करेंगे सो सो आई अनाउंस आर वी टू हैव द हर हफ्ते हम लोग दो चार घंटे की एक साथ में बैठ के एक सेशन लिया करेंगे और जो भी उस हफ्ते में क्लासेस हुई हैं जिस जो जो कवर हुए हैं उस पे बेस्ड जो जो भी एग्जांपल्स हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं वो सब हम लोग किया करेंगे ठीक है We'll start with R. We'll go ahead and see if there's more clarity. If there is a need to start some other software as well, we will see. But right now, we'll fix with R. Okay. So that is what is going to happen. Okay. And in the meantime, whatever uh, you guys hear from your teachers, whatever gets confirmed, you keep me posted and we'll keep following and doing things accordingly. Okay. All right. Fine. बल होती है हर कोई इंसान जाके वेबसाइट पर चीजें देख सकता है तो वो कुछ डेटा बेस दिए हुए हैं डेटाबेस अलग अलग तरीके के डेटा सेट्स दिए हुए हैं जिसको आप अपने बेसिकली प्रैक्टिकल्स में यूज करेंगे शायद या अगर आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए या कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपको करने हैं तो वो आप यूज कर सकते हो ठीक है द प्रैक्टिकल विद द शुड सेम टू कवर द टॉपिक्स जो भी आपने सिलेबस में किए हैं यूजिंग द फ्रॉम दर ऑफ द टू और बोथ रेकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स तो जो दो टेक्स्ट बुक है उसमें से किसी भी डेटा बेस जो भी एग्जाम्पल हमें करने हैं वो जो भी डेटाबेस मैंशन करते हैं उसका यूज करके आपको प्रैक्टिकल सेशंस जो है वो करने हैं ठीक है एंड उसके अलावा अपने पूरे अब इकोनोमेट्रिक्स में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल होंगे तो वो जो न्यूमेरिकल आपको करने हैं उसमें बीच में कुछ भी कैलक्युलेशन अगर होती है तो उसको आप फोर प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो मान लो उसमें छह डेसिमल आए तो प्लीज डोंट राउंड इट ऑफ टू तो टू डेसिमल प्लेसेस इज यूजुअल टेंडेंसी ठीक है आप उसको फोर डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करो डोंट दो डू इट टिल टू बिकॉज यूजुअली हम बचपन से वही करते आ रहे हैं आ, एंड में टू डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ देते हैं बट जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स है ना मतलब मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है बीच में दो चार स्टेप्स और है वो हर स्टेप में जो है मुझे सिर्फ मैक्सिमम फोर डेसिमल प्लेसेस की राउंडिंग ऑफ करनी है उससे ज्यादा नहीं करनी है ठीक है उसके अलावा जो भी स्टैटिस्टिकल टेबल्स से आपको नंबर मिलेंगे जो जेड टेबल काई स्क्वायर ये सब जो भी टेबल्स हैं टेबल से जो नंबर आएंगे वो एग्जैक्टली exactly जो नंबर है टेबल में स्टैटिस्टिकल टेबल में वही आपको यूज करना है यू शुड नॉट राउंड ऑफ ठीक है दैट इज अदर थिंग और जो भी फाइनल कैलकुलेशन हुई है जो भी आपका फाइनल आंसर है वहां पे जब आपको नंबर लिखना है तो देन ओनली यू शुड राउंड टू टू प्लेसेस फाइनल कैलकुलेशन में ही सिर्फ आप ये करोगे ठीक है? फाइनल आंसर में टू डेसिमल डेसिमल प्लेसेस, प्लेसेस, टेबल से पिक किया हुआ कोई भी नंबर आपको राउंड ऑफ नहीं करना है ठीक है ये सारी चीजें बताई प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्टेड एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स जो भी यूनिवर्सिटी के रूल है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल ओके okay जी सो नाउ दैट बीइंग सेड आपका जो सिलेबस है वो आ, ये पांच यूनिट होने वाली है लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा तो रिग्रेशन होता क्या है वो समझेंगे ठीक है रिग्रेशन के प्रोसीजर में अलग अलग चीजें एस्टिमेट करनी होती हैं वो कैसे होता है वो सब देखेंगे ओएलएस मेथड ऑर्डिनरी ली मेथड तो अभी तक हमने चैप्टर वन किया है

किस तरीके से एस्टिमेशन होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी एस्टिमेशन की ठीक है एंड यू नो जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है अपना सॉफ्टवेयर का किस तरीके से क्या क्या करना है दैट विल बी द यूनिट वन देन यूनिट टू में क्या होगा कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था अब क्या हो जाएगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हो जाते हैं तो सेम चीज को किस तरीके से एक्सटेंड किया जाए तो सेम प्रोसीजर बट विथ मोर वेरिएबल्स इन प्लेस इसको बोलेंगे मल्टीपल लीनियर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स तो ये सारी चीजें करेंगे एंड सेम चीज हमें प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स पे भी करनी है फिर हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर थ्री विच इज फंक्शनल फॉर्म्स तो हमने देखा था कि लीनियर होता है मैथमेटिकल मॉडल जब आप बनाते हो स्टेप नंबर थ्री में ठीक है मैथमेटिकल मॉडल लिखते हो हाइपोथिस uh, बनाते हो फिर मैथमेटिकल मॉडल लिखते हो मैथमेटिकल मॉडल में जो वाई और एक्स के बीच का रिलेशनशिप है वो लीनियर होगा या वो इनवर्स होगा या दोनों साइड लॉग लगाए या क्वाड्रेटिक बनाए या क्यूबिक बनाए वो अलग अलग फंक्शनल फॉर्म्स हम लोग देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट इफ यू हैव क्वालिटेटिव डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लो एक वेरिएबल हो गया कि वॉट इज द जेंडर ऑफ दिस पर्सन तो जेंडर में या तो आप मेल तो हो गए या फीमेल या मे बी अदर्स ठीक है तो ये क्वालिटेटिव वैल्यू हो गई ठीक है इट्स नॉट अ नंबर ये कोई नंबर नहीं है ये क्वालिटी है ठीक है uh, इसी तरीके से और अलग अलग तरीके के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए क्योंकि ये भी एक रियल लाइफ चीज है ना मतलब बहुत सारी चीजों में हो सकता है हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स ऐड करने पड़े तो उनको डमी वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग समझेंगे तो नॉन लीनियर मॉडल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है डमी वेरिएबल्स क्या होता है, एंड यही सारी चीजों की प्रैक्टिकल यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा कि जब आप रिग्रेशन करोगे ना तो बहुत सारी एजम्पन के अंडर आप रिग्रेशन करते हो वो क्या क्या होता है वो भी देखेंगे लेकिन अगर वो वायलेट हो जाती है वो सारी एजम्पन तो क्या क्या होता है तो वो वॉयलेट अगर हो जाए एजम्पन तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं वो चीज हुई है इसको डिटेक्ट डिटेक्ट कैसे किया जाए और अगर हो गया है है कि ये प्रॉब्लम तो उसको रेमिडी कैसे किया जाए और ये तीन चार तरीके की प्रॉब्लम एक मल्टी दिस इज अ प्रॉब्लम आई मीन दिस इज वन एजम्शन जो वायलेट हो जाएगी हेट्रोस के डस्टिस को सारी चीजें इनके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि अगर ये एजम्स ना हो तो इनको डिटेक्ट कैसे करें और अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे डेटा में तो इस चीज को करेक्ट कैसे किया जाए ठीक है ये अपना यूनिट नंबर फोर का एजेंडा होगा एंड फाइनली यूनिट नंबर फाइव एंड हर यूनिट में हमें जो भी चीज हम लोग थियोरी में पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना पड़ेगा ठीक है यूनिट नंबर फाइव होगा स्पेसिफिकेशन बायस मतलब कि जो आपने मॉडल लिखा है क्या वो करेक्टली स्पेसिफाई किया है क्या उसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की जरूरत है क्या उसमें कम वेरिएबल्स की जरूरत है uh, कौन सा मॉडल सिलेक्ट किया जाए कैसे आप डिसाइड करोगे कि विच मॉडल इज गुड सो मॉडल सिलेक्शन के क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं कि अलग चार मॉडल हैं उसमें से एक मॉडल पिक करना हो तो वो कैसे करोगे किस किस तरीके के स्पेसिफिकेशन एरर हो सकते हैं ओमिटेड वेरिएबल बायस क्या होता है कि अगर एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल आपने नहीं ऐड किया मॉडल में तो क्या होगा अगर आपने एक इनरेलीवेंट वेरिएबल को मॉडल में ऐड कर लिया तो क्या होगा आपने गलत फंक्शनल फॉर्म यूज कर ली तो क्या होगा मेजरमेंट में एरर आ गया तो क्या हो गया और ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना ठीक है ये अपना सिलेबस रहेगा चार पांच यूनिट होंगी हमारी एंड गाइस दिस इज एग्जैक्टली द सिलेबस that was being being followed last time also the same uh, readings are being referred use तो past year content relevant relevant line line by line relevant रहेगा. तो अगर किसी को जल्दी चीजें कवर करनी है तो आप पास कॉन्टेंट बहुत आराम से बिना टेंशन के फॉलो कर सकते हो अगर किसी के कॉलेज में मान लो इंटरनल हो गया और हमने लाइव क्लास में वो नहीं किया है यू कैन वेरी पीसफुली विदाउट एनी टेंशन रेफर दैट ठीक है यही एग्जैक्ट चीजें कवर हुई है वहां पे ठीक है तो उस चीज को लेके कोई टेंशन नहीं है ओके okay, सो so ये जो पांच यूनिट्स है ये पांचों यूनिट के लिए जो हमारी रेफरेंस होगी फॉर सिंपल लीनियर एग्रेशन इज चैप्टर नंबर टू एंड थ्री ऑफ गुजराती फॉर मल्टीपल लीनियर एग्रेशन चैप्टर फोर ऑफ गुजराती फंक्शनल फॉर्म एंड क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गुजराती चैप्टर नंबर फाइव एंड सिक्स

All the examples from the specified chapters in Gujarati and some examples from Woolridge book. तो जो अपनी गुजराती book है उसमें से तो जो chapters है उसके सारे examples देख सकते हैं हम और जो हमारी वुलर रिज बुक है जो दूसरी रेफरेंस बुक है, जो हमारी दूसरी, रेफरेंस बुक है जो हमारी दूसरी रेफरेंस बुक है उसके कुछ स्पेसिफिक examples जो आप कर सकते हो जो आपके लिए relevant होंगे वो इन्होंने मेंशन किए हुए हैं ठीक है थीके? तो ये चैप्टर टू थ्री के एग्जांपल्स एंड चैप्टर टू में एग्जांपल टू पॉइंट वन से लेके एग्जांपल टू पॉइंट नाइन एंड एग्जांपल टू पॉइंट वन थ्री ठीक है सिमिलरली यहाँ पे चैप्टर नंबर फोर लिखा हुआ है ठीक है चैप्टर नंबर थ्री के ये सारे एग्जाम्पल्स चैप्टर फोर के ऑल एग्जाम्पल्स एक्सेप्ट

रेकमेंड करना चाहूंगी कि अगर किसी को इंटरेस्ट है थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क में काफी अगर मतलब इच्छा है किसी को थोड़ा सा मन कर रहा है कि कैसे होता है सारा काम प्रैक्टिकल डेटा uh, को कैसे एनालाइज किया जाता है सो दिस पर्टिकुलर बुक विच इज इकोनोमीट्रिक्स बाय एग्जाम्पल इट्स बाय द सेम ऑथर गुजराती ओनली बट ये जो बुक है ना इसमें ज्यादा थियोरी नहीं दी हुई है बट पूरी चीजों को समझाया हुआ है using examples, है ठीक मतलब real world जो है उसके बारे में बातें करके बहुत सारी चीजें समझाई हुई है तो अगर किसी को डेटा साइड में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है तो यू शुड एक्चुअली गेट अ कॉपी ऑफ दिस आइर ऑनलाइन और एनी वेयर एंड यू शुड स्टार्ट स्क्रोलिंग थ्रू दिस बुक इट्स वेरी गुड सो वी वी एक्चुअली used टू Uh, read a uh, few things from here uh, while we were doing our project work in masters and uh, it's it's a really nice book the language is very simple so it'll be good okay so if you want you can go through this i mean this is like in just for your extra reading it's not mandatory i mean if you just want to stick to your exam perspective this is good and the for the practical part examples from this okay but if you're

मिनिस्ट्री जो अपनी इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ठीक है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली कोलकाता बैंगलोर तेजपुर ये सब डायरेक्टली मॉस्पी के अंडर आते हैं ठीक है तो मिनिस्ट्री जो है उन्हीं की एक ब्रांच मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन

काम किए जा सकते हैं kind of बीच में जैसे ही कंटिन्यूस असेसमेंट का टाइम आएगा टीचर्स आपको प्रोजेक्ट दे देंगे और फिर प्रोजेक्ट आपको खुद सोचना पड़ेगा ठीक है निकालो ये करो वो करो तब आप एकदम से बिल्कुल मैम थोड़े से आइडिया दे दो ये कर दो वो कर दो बट ठीक है आप जो है यूज दिस टाइम टू एक्सप्लोर वॉट काइंड ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड क्या क्या डेटा कलेक्ट होता है ठीक है इससे आपकी बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग दिशा में आप सोचना शुरू करोगे ठीक है देखो कि इंडिया में क्या क्या चीजों पे डेटा कैप्चर होता है जैसे फॉर इंस्टेंस वी कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग द सेम टूडे एक दो वेबसाइट्स हम लोग भी देखेंगे uh, But it'll just give you a good understanding of what kind of data sets we actually have, and us data set ka ap kya kya kar sakte ho. But understanding the data is the first step. Okay, so yeah, and all of these things if you know how to represent data, how to visualize data, data ko kaise present karna, hai, it's a very good skill from job perspective also because everywhere you're going to have data, you'll have to analyze data because you are doing econ. सो इट्स काइंड ऑफ अज्यूम दैट अंडरस्टैंड हाउ टू यू नो रीड डेटा अंडरस्टैंड डेटा मेक इट इन अफुलटेबल वे तो ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड होंगी तो ठीक है तो ये सब चीजें करनी है ओके सो या दीज व डेटा बेसिस एंड द टीचर्स हु मीटिंग सो या ओके सो दिस इज बेसिकली ऑल रिगार्डिंग द सिलेबस ठीक है